द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 1 का लोकेशन है वेनिस, जहाँ पे एक स्ट्रीट में ये सीन होता है। सेलानियो और सेलारिनो फ्रेंड्स हैं, एंटर करते हैं। सेलानियो पूछता है, नाउ व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो, यानी कि एक्सचेंज मार्केट में क्या न्यूज़ है। तो सेलारिनो बोलता है, वाई येट इट लिव्स देयर अनचेक्ड दैट एंटोनियो हैथ अ शिप ऑफ रिच लेडिंग रेक्ड ऑन द नैरो सीज। बोल रहा है अभी तक ये न्यूज़ कंफर्म नहीं हो पाया है कि एंटोनियो का शिप जो कि रिच कार्गो से भरा हुआ था वो नैरो सी चैनल में डिस्ट्रॉय हो गया है। इसके पहले वाले सीन में भी हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस बारे में बात करते हैं कि नैरो सी चैनल जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, वहाँ पे एक शिप डिस्ट्रॉय हो गया है और वो शिप रिच कार्गो से भरा हुआ था। द गुड विंड्स आई थिंक दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस फ्लैट एंड फेटल वेयर द कारकासेस ऑफ मेनी अ टॉल शिप लाई बरिड। सेलारिनो बोल रहा है कि उस जगह का नाम, उस नैरो सी चैनल का नाम गुडविंस है और वो बहुत डेंजरस जगह है जहाँ पे बहुत सारे शिप्स का कारकासेस है। कारकासेस मतलब डेड रिमेन्स, यानी बहुत सारे शिप्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। एज दे से इफ़ माई गॉसिप रिपोर्ट बी एन ऑनेस्ट वुमन ऑफ हर वर्ड, इफ़ लेडी र्यूमर बी ट्रू टू हर वर्ड। यहाँ पे र्यूमर को, अफवाह को एक लेडी की तरह परसोनिफाई किया गया है। जनरली लेडीज़ लोग आपस में गॉसिप करती हैं खाली समय में, और इसीलिए र्यूमर अफवाह भी उन्हीं के बात करने से फैलता है कि एक लेडी दूसरी लेडी से बोलती है पता चला ये हुआ है, फिर वो लेडी दूसरे को जाके बोलती है। तो शायद इसलिए यहाँ पे लेडी को परसोनिफाई किया गया है र्यूमर के लिए। तो सेलानियो बोलता है, आई वुड शी वर एज लाइंग अ गॉसिप इन दैट एज एवर नैप जिंजर और मेड हर नेबर्स बिलीव शी वेप्ट फॉर द डेथ ऑफ अ थर्ड हस्बैंड। तो जैसे एक सिमिली यूज़ होता है एज टॉल एज अ जिराफ, तो वैसे यहाँ पे यूज है एज लाइंग अ गॉसिप इन दैट एज एवर नैप जिंजर और मेड हर नेबर्स बिलीव शी वेप्ट फॉर द डेथ ऑफ अ थर्ड हस्बैंड। तो एज लाइंग अ गॉसिप का मतलब एज फॉल्स अ र्यूमर, यानी ये र्यूमर उतना ही फॉल्स है जितना कि इस बात पे यकीन करना कि कोई पर्सन जिंजर को, अदरक को चबा चबा के खाया है। अदरक हम लोग सबको ही जानते हैं कि अदरक कभी भी चबा चबा के खाने जैसा कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर हमसे बोले कि वो चबा चबा के अदरक को खाया है तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। या फिर और मेड हर नेबर्स बिलीव शी वेप्ट फॉर द डेथ ऑफ अ थर्ड हस्बैंड। यहाँ पे ऊपर में हम लोग देखे कि र्यूमर को एज अ लेडी परसोनिफाई किया गया है और अभी उस पर्टिकुलर लेडी का एक कैरेक्टर बताया जा रहा है कि जब उसके थर्ड हस्बैंड का डेथ हुआ तो वो अपने नेबर्स को यकीन दिला रही थी कि हम थर्ड हस्बैंड के डेथ पे रोए थे। पहला बात तो इस लेडी के 3 हस्बैंड होना ये बता रहा है कि वो लेडी थोड़ी कैरेक्टरलेस है। और फिर अगर कोई लेडी का हस्बैंड डेथ करता है तो ये तो बहुत जेन्युइन सा बात है कि वो रोएगी, लेकिन यहाँ पर उसके नेबर्स को उसको ये बात यकीन दिलाना पड़ रहा है कि वो रोई थी। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है, जो सेंटर चीज़ है, यहाँ पे मेन चीज़ जिस बारे में बात हो रहा है वो है यकीन दिलाना। जैसे कि कोई आदमी अगर जिंजर खा रहा है तो उस पर यकीन करना मुश्किल है, इसके इस पर्टिकुलर लेडी के नेबर्स को इस बात पे यकीन करना मुश्किल है कि वो सच में अपने थर्ड हस्बैंड के डेथ पे रोई थी, वैसे ही इस बात पे भी यकीन करना मुश्किल है कि एंटोनियो का ही शिप रेक हुआ है, एंटोनियो का ही शिप डिस्ट्रॉय हुआ है। But it is true without any slips of prolixity or crossing the plain highway of talk. यानी कि लेकिन ये बात सच है without any slips of prolixity. Prolixity का मतलब होता है too many long-winded sentences. यानी जब हम लोग बहुत सारे words और बहुत सारे sentences का बेवजह इस्तेमाल करते हैं तो वो boring sound करता है।
तो सेलानियो बोल रहा है कि बिना किसी लॉन्ग वाइंडेड सेंटेंसेस के और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक, यानी सीधे सीधे कहें तो, दैट द गुड एंटोनियो द ऑनेस्ट एंटोनियो ओ दैट आई हैड अ टाइटल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी. एंटोनियो बोलता है गुड एंटोनियो ऑनेस्ट एंटोनियो, फिर वो सोच रहा है कि काश एक अच्छा सा टाइटल होता जो हम एंटोनियो के बाद बोलते तो एंटोनियो के नाम को कंपनी मिल जाता. सेलेरियो बोलता है कम द फुल स्टॉप, यानी बहुत हो गया अब थोड़ा फुल स्टॉप लगाओ. सेलेरियो बोलता है हाँ व्हाट सेयस्ट थाउ व्हाई द एंड इज ही हैव लॉस्ट अ शिप, यानी अब वो अपने बात को पूरा कर रहा है कि एंड रिजल्ट ये हुआ है कि एंटोनियो सच में एक शिप खो चुका है. सेलेरियो बोलता है आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस, यानी हम आशा करते हैं कि ये उसका एंड होगा, मतलब इससे ज़्यादा वो और कोई नुकसान नहीं झेले, ऐसा वो चाहता है. सेलेरियो बोलता है लेट मी से आमीन बी टाइम्स लेस्ट द डेविल क्रॉस माई प्रेयर फॉर हियर ही कम्स इन द लाइकनेस ऑफ अ जीव. हम लोग हिंदी में तथास्तु बोलते हैं ना, या फिर बोलते हैं जब कोई बहुत अच्छा बात बोलता है तो हम लोग बोलते हैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी ऐसा ही हो. तो जब सेलेरियो ऐसा चाहता है कि ये एंटोनियो का एंड नुकसान हो, तो सेलेरियो बोलता है लेट मी से आमीन, इससे पहले कि कोई राक्षस मेरे प्रेयर को आके भंग करे उससे पहले हम आमीन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक राक्षस आ रहा है जीव की शक्ल में और वो कौन है, शाइलॉक है. एंट शाइलॉक हाउ नाउ शाइलॉक व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स. सेलेरियो पूछ रहा है कि मर्चेंट्स के बीच में क्या न्यूज़ है. शाइलॉक बोलता है यू नो नन सो वेल एज यू ऑफ माय डॉटर्स फ्लाइट, बोल रहा है कि मेरी बेटी भाग चुकी है, कोई अच्छा खबर नहीं है. सेलेरियो दैट सर्टन आई फॉर माय पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विदिल, बोल रहे हाँ ये बात तो सच है और हम उस टेलर को जानते हैं जो वो ड्रेस बनाया जिसको पहन के जेसिका भागी थी. सेलेरियो बोलता है एंड शाइलॉक फॉर हिज ओन पार्ट न्यू द बर्ड वाज फ्लेज्ड, बोल रहे हैं कि शाइलॉक को पता था ये बात कि वो बर्ड यहाँ पे जेसिका के लिए यूज़ किया गया है, बर्ड वॉज एबल टू फ्लाई, बर्ड वॉज रेडी टू फ्लाई, यानी शाइलॉक को ये बात पता था कि जेसिका कभी भी उड़ सकती है और वो उड़ने का क्षमता रखती है. एंड देन इट इज़ द कॉम्प्लेक्शन ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम, और ये इन बर्ड्स का आदत है कि ये लोग अपने पेरेंट डैम को, अपने पेरेंट का घर को छोड़ के चली जाती है. शाइलॉक बोलता है शी इज़ डैम्ड फॉर इट, यहाँ पे DAMN डैम है, इस डैम का मतलब होता है कि भगवान करे कि भगवान उसको मुश्किल में लाए या भगवान उस पर कोई विपत्ति लाए, मे शी बी डैम्ड. शाइलॉक को बहुत बुरा लगा है, बहुत गुस्सा आया है कि जेसिका उसका पैसा लेके भाग गई है और अपने प्यार क्रिश्चियन के साथ भाग गई है, तो इसलिए वो बोल रहा है भगवान करे कि शी मे बी डैम्ड फॉर इट. सेलेरियो दैट सर्टन इफ द डेविल मे बी हर जज, तो सेलेरियो बोल रहा है भगवान ऐसा तब करेंगे जब जज के रूप में वहाँ पे राक्षस बैठेगा. तो शाइलॉक बोलता है माय ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिबेल, यानी मेरा ही खून मेरे खिलाफ गया, मेरे से रिबेलियन किया. सेलेरियो आउट अपॉन इट ओल्ड कैरी ऑन रिबेल्स एट दीज ईयर्स, मतलब सेलेरियो इसके बात को समझ नहीं पा रहा है या जानबूझ के समझना नहीं चाहता है. वो कह रहा है कि तुम्हारा फ्लैश, तुम्हारा खून इतने साल बाद, यानी तुम्हारा तो एज इतना हो चुका है और वो अभी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. तो शाइलॉक बोलता है आई से माई डॉटर इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, यानी हम अपनी डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरा खून है. सेलेरियो बोलता है देर इज़ मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर्स दैन बिटवीन जेट एंड आइवरी, यानी तुम्हारे और उसके खून में, तुम्हारे और उसके फ्लैश में ब्लैक और वाइट से भी ज़्यादा का अंतर है. मोर बिटवीन योर ब्लड्स देन देयर इज़ बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश, तुम्हारे और उसके खून में बेस्ट रेड वाइन और चीप येलो वाइन से भी ज़्यादा का डिफरेंस है. बट टेल अस
Do you hear whether Antonio have had any loss at sea or no? पर बताओ, क्या तुमको पता चला है कि एंटोनियो को कोई नुकसान हुआ है? शाइलॉक बोलता है, देर आई हैव अनदर बैड मैच, अ बैंकरप्ट, अ प्रोडिगल हु डेयर्स कार्स शो हिज हेड ऑन द रियाल्टो. बोल रहे हैं कि एक तो मेरी बेटी भाग गई और दूसरा खराब हमको क्या मिला है कि ये एंटोनियो जो कि बहुत ही खर्चीला आदमी है, उसको हम पैसा दिए हैं और वो अपना रियाल्टो में यानी मार्केट में वो अपना शक्ल दिखाता है. शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में दुश्मनी है. शाइलॉक को एंटोनियो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हम लोग को पता है. और शाइलॉक नहीं चाहता कि उसको मार्केट में कभी भी एंटोनियो से सामना करना पड़े या एंटोनियो का चेहरा देखना पड़े. अ बेगर दैट वॉज यूज टू कम सो स्मग अपॉन मी द मार्ट, लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ही वॉज बॉन्ड टू कॉल मी उसूरर. यानी वो एक बेगर है, भिखारी है. क्यों? क्योंकि वो मेरे से पैसा मांगने आया था और अब उसको अपना बॉन्ड देखने दो. यानी अगर ऐसा होता है कि वो उसको कोई नुकसान हाथ लगता है तो हम उससे अच्छा पैसा वसूलेंगे. ही वॉज वॉन्ट टू कॉल मी अ उसूरर. यानी वो तो हमको उसूरर बुलाता है. उसूरर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि भारी इंटरेस्ट वसूल के दूसरों को पैसा देता है. लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ही वॉज वॉन्ट टू लेंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्टसी. और वो तो पैसा बिना इंटरेस्ट के देता है एज एन एक्ट ऑफ क्रिश्चियन काइंडनेस. वो अपने आप को बहुत ही काइंड क्रिश्चियन समझता है क्योंकि वो बिना इंटरेस्ट के दूसरों को पैसा देता है. लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, बार बार बोल रहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उसको अच्छे से देखना चाहिए. सेलेरिनो, वाई आई एम श्योर इफ ही फॉरफीट दा विल्ट नॉट टेक हिज फ्लैश, वॉट्स दैट गुड फॉर. बोल रहे हैं कि हम इस बात का यकीन रखते हैं कि अगर एंटोनियो को सच में नुकसान होता है तो तुम उसका फ्लैश तो नहीं ही लोगे, वो किस काम का आएगा. तो शाइलॉक बोल रहा है, टू बेट फिश विदल इफ इट विल फीड नथिंग एल्स, इट विल फीड माई रिवेंज. हम लोग जान चुके हैं कि शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि अगर एंटोनियो समय पे उसका 3000 ड्यूकैट्स का सम नहीं देगा तो शाइलॉक एंटोनियो के बॉडी में से कहीं से भी 1 पाउंड फ्लैश ले लेगा. तो सेलेरिनो बोल रहे हैं कि अगर वो आपका पैसा नहीं लौटाता है तो आप उसका फ्लैश तो नहीं ही लेंगे, क्योंकि वो आपकी किस काम में आएगा. तो शाइलॉक बोल रहे हैं कि अगर एक मछली को बेट डाल के पकड़ा जाए तो अगर वो कुछ नहीं भी खाए, अगर मछली उस बेट में नहीं भी, उसका जो जिस चीज़ को यूज़ किया गया है मछली को पकड़ने के लिए, अगर वो उसको नहीं भी खाए तो भी कम से कम मेरा रिवेंज तो सेटिस्फाई होगा, हम बदला तो लेंगे. ही हैव डिसग्रेस्ड मी एंड हिंडर्ड मी 500,000. वो मेरे को इंसल्ट किया और मेरा 500,000 उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ. लाफ्ड एट माई लॉसेज, मॉक्ड एट माई गेंस. जब हमको नुकसान हुआ तो वो हंसा और जब हमको प्रॉफिट हुआ तो वो रेब्यूक किया, हमको क्रिटिसाइज़ किया. स्कॉन्ड माई नेशन, थॉटेड माई बारगेन्स. मेरी नेशन को भला बुरा कहा, मेरी बारगेनिंग में बाधा लाने का कोशिश किया. कूल्ड माई फ्रेंड्स, हीटेड माई एनिमीज. मेरे फ्रेंड्स को मेरे से दूर करने का कोशिश किया और मेरे दुश्मनों को मेरे खिलाफ एक्साइट किया. And what's his reason? I am a Jew. और ये सब वो किस लिए किया? क्योंकि हम एक Jew हैं. Hath not a Jew eyes? क्या एक Jew के पास आँखें नहीं होती? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? क्या एक Jew के पास हाथ नहीं होते, body parts नहीं होते, उसमें emotion नहीं होता, उसमें passion नहीं होता? Fed with the same food, hurt with the same weapons. क्या एक जीव सेम खाना नहीं खाता जो कि एक क्रिश्चियन खाता है? क्या उसको सेम वेपन से अगर मारोगे तो उसको दर्द नहीं होता? सब्जेक्ट टू द सेम डिजीजेस, हील्ड बाय द सेम मींस. क्या वो सेम तरीके से डिजीज उसको नहीं होता? और क्या अगर मेडिसिन उसको दें तो वो ठीक नहीं होता? वॉर्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर एज अ क्रिश्चियन इज. इफ यू प्रिक अस, डू वी नॉट ब्लीड? If you tickle us, do we not laugh?
यानी बोल रहे हैं कि एक जीव भी उसी तरीके से उस पर भी समर और विंटर का सेम इफेक्ट पड़ता है। जब गर्मी आता है तो उसको भी गर्मी फील होता है, जब ठंड आता है तो उसको भी ठंड लगती है, जब तुम एक जीव को चुभाते हो कुछ तो उसका भी खून निकलता है, जब तुम उसको गुदगुदी करते हो तो वो भी हंसता है। इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। अगर तुम मेरे को पॉइजन दोगे तो क्या हम लोग मर नहीं जाएंगे, और क्या अगर तुम हमारे साथ कुछ गलत करोगे तो हम बदला नहीं लेंगे। इफ़ वी आर लाइक यू इन द रेस्ट वी विल रिजेंबल यू इन दैट। और अगर हम बाकी चीज़ों में बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं तो हम रिवेंज लेने में भी तुम्हारे जैसे ही होंगे। इफ़ अ जीव रॉन्ग अ क्रिश्चियन व्हाट इज हिज ह्यूमिलिटी रिवेंज। अगर एक जीव क्रिश्चियन के साथ कुछ गलत करता है तो उसका बिहेवियर उस समय क्या होता है, वो रिवेंज लेना चाहता है। इफ़ अ क्रिश्चियन रॉन्ग अ जीव व्हाट शुड हिज सफरेंस बी बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल। तो उसी तरीके से अगर एक क्रिश्चियन किसी जीव के साथ गलत करता है तो उसको भी तो यही मन करेगा कि वो रिवेंज ले। द विलनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन। जो तुम मेरे को टीच कर रहे हो हम वैसा ही काम करेंगे, और ये और भी हार्ड मतलब और भी ज़्यादा रिवेंज हम तुमसे लेंगे। आई विल इम्प्रूव अपॉन योर गाइडेंस। तुम्हारे गाइडेंस से हेल्प लेके हम अपना रिवेंज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर एक सर्वेंट आ जाता है और सर्वेंट बोलता है, जेंटलमैन माई मास्टर एंटोनियो इज़ एट हिज हाउस एंड डिज़ायर्स टू स्पीक विथ यू बोथ। एंटोनियो अपने घर पे हैं और वो आप दोनों से बोलना चाहते हैं। तो सेलेरिनो बोलता है, वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम। यानी हम लोग हर जगह एंटोनियो को ढूंढ चुके हैं, हम लोग भी उनसे बात करना चाहते थे इसीलिए हम लोग उनको ढूंढ रहे थे हर जगह। एंटर ट्यूबेल। ट्यूबेल एक जीव है और वो शाइलॉक का फ्रेंड है। सेलेनियो, हियर कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब, अ थर्ड कैन नॉट बी मैच्ड अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न्स यू। सेलेनियो बोल रहा है कि जीव एक और जीव आ गया, एंड देर इज़ नो थर्ड पर्सन हु मैचेस दीज टू अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न्स इनटू अ जीव। यानी कोई तीसरा आदमी इन दोनों को मैच नहीं कर सकता, इनके विलनी को कोई तीसरा आदमी मैच नहीं कर सकता, अनलेस द डेविल हिमसेल्फ टर्न्स इनटू अ जीव। अगर एक राक्षस जीव के फॉर्म में आ गया तो ही वो इनके विलनी को मैच कर पाएगा। फिर सेलेनियो, सेलेरिनो और सर्वेंट चले जाते हैं और शाइलॉक और ट्यूबेल आपस में बात करते हैं। शाइलॉक बोलता है, हाउ नाउ ट्यूबेल, व्हाट न्यूज़ फ्रॉम जेनोआ, हैस्ट दाउ फाउंड माय डॉटर। जेनोआ से क्या न्यूज़ है और क्या तुम मेरी बेटी का कुछ पता चला। ट्यूबेल बोलता है, आई ऑफन केम वेयर आई डिड हियर ऑफ हर बट कैनॉट फाइंड हर। हम हर उस जगह पे गए जहाँ पे हमको लगा या हम सुने कि वो हो सकती है, पर हम उसको नहीं फाइंड कर पाए। शाइलॉक, वाई देयर अ डायमंड गॉन कॉस्ट मी 2000 ड्यूकैट्स इन फ्रैंकफर्ट। यानी एक ऐसा डायमंड चला गया जिसको हम फ्रैंकफर्ट से 2000 ड्यूकैट्स में खरीदे थे। द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ, आई नेवर फेल्ट इट टिल नाउ, 2000 ducats in that and other precious jewels। बोल रहे हैं कि हम 2000 ducats को उसमें खो दिए और बहुत सारे precious jewels को भी हम खो दिए। I would my daughter were dead at my foot and the jewels in her ear। हम चाहते हैं कि काश मेरी बेटी मेरे सामने मेरे पैरों पे मर जाती और सारा डायमंड्स उसके मतलब उसके कान में होता, यानी पास में ही होता, और वो डायमंड्स मेरा कभी भी नहीं खोता तो अच्छा रहता। वुड शी वर हियर्स एट माई फूट। हियर्स एक ऐसा व्हीकल होता है जो कि डेड बॉडी को कैरी करने में यूज़ होता है। तो वुड शी वर हियर्स एट माई फूट का मतलब है, वुड शी बी डेड एट माई फूट, वुड शी वर डेड एट माई फूट एंड द ड्यूकैट्स इन अ कफन। और सारा का सारा पैसा उसके कफन में ही होता तो अच्छा रहता। नो न्यूज़ ऑफ देम, वाई सो, एंड आई नो नॉट व्हाट स्पेंट इन द सर्च, वाई दाउ लॉस अपॉन लॉस, द थीफ गॉन विथ सो मच एंड सो मच टू फाइंड द थीफ।
यानी ये लॉस के बाद लॉस हो रहा है। पहले तो वो इतना सारा पैसा लेके भाग गई, मेरा डायमंड्स लेके चली गई, और अब उसको ढूंढने में इतना पैसा खर्च हो रहा है। फाइंड द थीफ से ये समझ में आता है कि ये शाइलॉक का इंडिफरेंस दिखा रहा है उसकी बेटी की तरफ, यानी वो अभी उसको इस बात का फिक्र नहीं है कि उसकी डॉटर चली गई है उसको छोड़ के, या उसकी डॉटर कैसी होगी। उसका डॉटर से कोई अफेक्शन नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। एंड नो सैटिस्फैक्शन, नो रिवेंज, नॉर नो इन लक स्टिरिंग बट वॉट लाइट्स ऑन माई शोल्डर्स। यानी कि कहीं पे भी कोई ख़राब लक का, मतलब हम कभी भी नहीं सुन रहे हैं कि हाँ उसके साथ कुछ ख़राब हुआ या उसका कुछ चोरी हो गया, सारा का सारा बैड लक मेरे ही साथ हो रहा है। नो साइज बट ऑफ माई ब्रीदिंग, यानी मेरे हम ही लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, मेरे ही पे सारा दुख सारा विपत्ति आ रहा है। नो टीयर्स बट ऑफ माई शेडिंग, कोई नहीं रो रहा है सिवाय मेरे। ट्यूबेल बोलता है, येस अदर मैन हैव इल लक टू एंटोनियो एज आई हर्ड इन जेनोवा। बोलते हैं बाकी लोगों के साथ भी बुरा होता है, और हम सुने हैं कि एंटोनियो के साथ जेनोवा में बुरा हुआ है। तो शाइलॉक बोलता है, व्हाट 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 इल लक इल लक, यानी क्या क्या बैड लक हुआ उसके साथ। तो ट्यूबेल बोलता है, हैथ एन अर्गोसी कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्रिपोलिस। ट्रिपोलिस से एक शिप आ रहा था एंटोनियो का, जो कि डूब गया। शाइलॉक, आई थैंक गॉड, आई थैंक गॉड, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, पूछ रहा है कि क्या ये सच है, और भगवान को थैंक करता है कि एंटोनियो का शिप डूब गया। ट्यूबेल बोलता है, आई स्पोक विद सम ऑफ द सेलर्स दैट एस्केप द रेक, यानी वहाँ पे कुछ सेलर्स से मेरा बात हुआ और वो लोग हमको ये खबर दिए। शाइलॉक बोलता है, आई थैंक दी गुड ट्यूबेल, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, हा हा, वेयर इन जेनोवा, जेनोवा में ये हुआ, पूछ रहा है शाइलॉक ट्यूबेल से। ट्यूबेल बोलता है, योर डॉटर स्पेंट इन जेनोवा एज आई हर्ड इन वन नाइट 4 ड्यूकैट्स, और हम सुने हैं कि जेनोवा में तुम्हारी बेटी एक रात में, एक ही रात में वो 80 ड्यूकैट्स खर्च कर दी। तो शाइलॉक बोलता है, दफ स्टिकेस्ट अ डैगर इन मी, आई शैल नेवर सी माई गोल्ड अगेन, 4 ड्यूकैट्स एट अ सिटिंग, 4 ड्यूकैट्स, बोल रहे तुम तो मेरे में खंजर भोंक रहे हो, तलवार मेरे अंदर भोंक रहे हो, क्योंकि तुम ये बात मेरे को बता रहे हो कि वो 80 ड्यूकैट्स को एक ही रात में खर्च कर दी, और फिर सोचता है कि अब हम अपना गोल्ड को कभी भी नहीं देख पाएंगे। ट्यूबेल बोलता है, देयर केम डाइवर्स ऑफ एंटोनियोज क्रेडिटर्स इन माई कंपनी टू वेनिस, दैट्स वेयर ही कैनॉट चूज बट ब्रेक। बहुत सारे डाइवर्स आए जो कि हमको जो वेनिस में मेरे साथ थे, और वो बोले हमको कि एंटोनियो के पास अब कोई चॉइस नहीं है बट टू गो बैंक्रप्ट, यानी अब तो उसको बहुत सारा नुकसान हो गया है, अब तो वो कर्जे में डूब गया है। शाइलॉक बोलता है, आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट, आई विल प्लेग हिम, आई विल टॉर्चर हिम, आई एम ग्लैड ऑफ इट, यानी हम बहुत खुश हैं और अब तो हम एंटोनियो को खूब टॉर्चर करेंगे और उसको नुकसान पहुँचाएंगे। ट्यूबेल बोलता है, वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग दैट ही हैड ऑफ योर डॉटर फॉर अ मंकी, और उनमें से जो मेरे साथ थे वेनिस में, उनमें से एक ने मेरे को एक रिंग दिखाया जो कि तुम्हारी बेटी से उसको मिला था, फॉर अ मंकी, यानी तुम्हारी बेटी ने एक रिंग को एक व्यक्ति को बेच दिया एक मंकी के बदले में, एक बंदर के बदले में। तो शाहरुख बोलता है, आउट अपॉन हर, thou torturest me, Tubal, it was my turquoise, I had it of lair when I was a bachelor, I would not have given it for a wilderness of monkeys. बोल रहे ट्यूबेल तू मेरे को टॉर्चर कर रहे हो ये सब बता के, वो मेरा प्रीशियस स्टोन था, टर्कोइज का मेरा रिंग था जो कि मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड लै दी थी जब हम कुंवारे थे, जब हम बैचलर थे। टर्कोइज एक बहुत प्रीशियस स्टोन होता है जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है, और शाइलॉक बोलता है कि उस रिंग को तो हम बहुत सारे मंकीज के बदले में भी नहीं देते किसी को। फिर ट्यूबेल बोलता है, बट एंटोनियो इज सर्टनली अनडन, यानी एंटोनियो तो रुइन हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और ये बात पक्का है। शाइलॉक बोलता है, ने दैट्स ट्रू,
That's very true. Go, Tubal, see me an officer. Bisbee came a fortnight before. बोलता है हाँ ये बात तो सच है. ट्यूबैल जाओ और एक लॉयर को ले आओ और उसको एंगेज कर लो अ फॉर्टनाइट बिफोर. फॉर्टनाइट 14 दिन का समय होता है. तो शाइलॉक ट्यूबैल से बोल रहा है कि लॉयर को 14 दिन पहले ही तुम एंगेज करके रख लो. आई विल हैव द हार्ट ऑफ हिम. किसका हार्ट? एंटोनियो का. क्योंकि उसको पता चल गया है कि एंटोनियो को नुकसान हो गया है और अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो एंटोनियो के हार्ट से 1 pound फ्लैश मांगने का डिज़ायर रखता है. इफ़ ही फॉरफीट, अगर एंटोनियो को नुकसान हुआ तो. फॉर वेयर ही आउट ऑफ वेनिस आई कैन मेक वॉट मर्चेंडाइज आई विल. यानी अगर एंटोनियो वेनिस में नहीं रह रहा होता तो हम बहुत सारा प्रॉफिट कमाए होते. उसको शाइलॉक को एंटोनियो से बहुत प्रॉब्लम है और वो जानता है कि क्योंकि रियाल्टो में एक्सचेंज मार्केट में एंटोनियो की होने की वजह से बहुत सारे लोग एंटोनियो के पास चले जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल जाता है. कोई शाइलॉक के पास नहीं आता है. और एंटोनियो शाइलॉक को ब्लेम भी करता है कि तुम अनरीजनेबली हाई रेट में इंटरेस्ट चार्ज करके लोगों को पैसा देते हो. तो शाइलॉक सोच रहा है कि अगर एंटोनियो वेनिस में नहीं रह रहा होता तो वो काफ़ी प्रॉफिट कमाता. वो काफ़ी मर्चेंडाइज का मतलब है गुड्स जिनको सेल में लगाया जाता है. गो गो ट्यूबैल एंड मीट मी एट आर सिनेगॉग. सिनेगॉग ज्यूइश चर्च को बोलते हैं. तो शाइलॉक ट्यूबैल से बोल रहे हैं कि ट्यूबैल जाओ और अब हम लोग ज्यूइश चर्च में मिलेंगे. गो गो ट्यूबैल एट आर सिनेगॉग ट्यूबैल. और फिर दोनों चले जाते हैं एंड द सीन एंड्स.